माँ तू रो रही है? माँ तेरी आंख में आंसू अच्छे नहीं लग रहे हैं। आ माँ इधर बैठ बैठ बैठ। बेटा आंसू भी कभी शोभा देते हैं क्या? हाँ माँ, आंखों से निकले हुए आंसू गालों पर ऐसे दिखते हैं मानो जैसे मोती के दाने। चल अब तू भी अपने पिता की तरह मुझे बातों में उलझाने लगा। लेकिन माँ तेरी आंखों में आंसू क्यों? क्या बताऊं बेटा, ये गांव वाले, ये संसार वाले इतने विचित्र क्यों होते हैं? ये दूसरों के घरों में झांकने की आदत बहुत बुरी होती है इनकी। क्या हुआ माँ, कौन किसके घरों में झांक रहा है बताओ मुझे। ये देखकर हम ही लोग बचे हैं ना, इन सबकी आंखों के किरकिरे बने हैं हम। देखो ना बेटा, वो यात्री स्वेच्छा से तुम्हारे पिता को धन देकर गया था, लेकिन ये गांव वाले कहते हैं कि हम लोग मैथी। गांव वाले यही कहते हैं ना मैथी कि मैंने बेईमानी से उस पति का धन ले लिया। तो उन्हें कहने दो ना मैथी, अरे हमारा कान्हा एक दिन उनके मुंह पर ताला अवश्य लगाएगा। पर पिताजी, पर कुछ नहीं बेटा, तुम केवल अपने में ही तल्लीन रहना सीखो, सारी दुनिया तुम्हारे ही अंदर समाहित है। इसलिए बेटा तुम अपनी ही दुनिया में मस्त रहना सीखो। पर पिताजी, ये गांव वाले जो अनर्गल बातें कर रहे हैं, इन अनर्गल बातों को बंद कराना चाहिए पिताजी। बेटा श्यामड़ा, उसका खेल बड़ा ही निराला है। हर खेल के पीछे केवल उसी का हाथ होता है, इसलिए बेटा तुम सावधानी पूर्वक उसके रचे हुए खेल को देखते जाओ, देखते जाओ। आओ मेहती, अब मुझे भूख लगी है, आओ खाना निकालो। काका ये ठंडा पानी लीजिए। पानी पीने से गुस्सा कम नहीं होगा और मैं गुस्से में भी नहीं हूँ। मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि तुम लोग नसी को क्यों बदनाम करना चाहते हो। अरे भैया, हम सब बदनाम नहीं करना चाहते, उसकी हरकत ही ऐसी है कि जबरन का नाम पर पर्दाफाश करने का मन कहता है। मैं तुम लोगों को पहले ही मना किया था कि तुम उस पथिक के पीछे घुड़सवार को मत भेजो, पर तुम लोगों ने मेरी बात न मानी। घुड़सवार द्वारिका जाकर खाली हाथ लौट आया। इस रहस्य में तुम्हें क्या मिला, सिर्फ झूठी तसल्ली? नहीं भैया नहीं, तसल्ली की बात नहीं। घुड़सवार कह रहा था, वहाँ वाले बता रहे थे कि एक आदमी आया तो था, वो शामला की पीढ़ी घूर रहा था। पर शिव शंकर की तरह तुम भी सारंग की बातों पर यकीन करने लगे, क्या ये अच्छी बात है? काका जी, बोले बाबा की कसम खाकर तुलसी और सोने को अपने हाथ में लेकर बोलूंगा, नरसी ने उस भगत से ये द्वारिका में उसकी पीढ़ी है। तुम झूठ बोल रहे हो। आइए महात्मा आइए, हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। काका जी, अब आप नरसी के दुष्कर्मों पर पर्दा डालना बंद कर दीजिए। ये वही पथिक है जिसके लिए हमने घुड़सवार को द्वारिका तक भेजा था। आप सब लोग मेरे लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? अरे मैं तो आपका आभार प्रकट करने के लिए वापस यहाँ पर आया हूँ कि आपने इतने सच्चे मनुष्य से मेरी भेंट करवा दी। उससे क्या फल मिला तुम्हें? अब बालक, उसका फल तो मैं भक्त नरसी के सामने ही बताऊंगा। क्यों बाबा, यहाँ बताने में कोई आपत्ति है? अब आपत्ति तो कुछ नहीं है बच्चा, लेकिन मैं भक्त नरसी के गुणों का गुणगान उनके सामने ही करूंगा। आप लोग भी चलिए। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। चलो बच्चा। भगत जी, राधे कृष्ण हरि भगत, राधे कृष्ण हरि भगत जी, राधे कृष्ण भगत जी, मैं तो धन्य धन्य हो गया। बाबा जी, किस बात पर आप धन्य हो गए? जब मैं द्वारिका पहुंचा तो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पर श्यामड़ा की पेड़ी है ही नहीं। भगत जी,
मैं काफी उदास हो गया और मंदिर की ओर जाने लगा। फिर क्या हुआ बाबा जी? तभी एक व्यक्ति सांवला सलोन बिल्कुल मेरे कन्हैया की तरह मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि आप मुझे ही ढूंढ रहे हैं, मेरा ही नाम श्यामड़ा है। फिर क्या हुआ बाबा जी? भगत जी, वो मुझे मंदिर के अंदर ले गया, शीतल जल से मेरा हाथ और मुंह धोया, फिर माखन रोटी खिलाने के बाद उसने मुझे शीतल जल पिलाया और वहीं पर उसने मेरे को 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर दी। फिर क्या हुआ बाबा जी, बताइए ना बाबा जी, फिर क्या हुआ? उसके आगे की कथा सुनने के लिए मेरे इन कानों में झिंगों से बोलने लगे हैं। हमारे श्यामड़ा के बारे में बताकर इन झिंगुरों का बोलना बंद करो बाबा जी, इन झिंगुरों का बोलना बंद करो। और भक्त जी, उन्होंने प्रतिदिन आग्रह करके मुझे अपने यहाँ खिलाया पिलाया और जब मैं वापस आ रहा था तो उन्होंने आपके लिए ये रेशमी वस्त्र और 50 स्वर्ण मुद्राएं भेजी है भगत जी, 50 स्वर्ण मुद्राएं, ये लीजिए। वाह मेरे श्यामड़ा, वाह, मेरे लिए, मेरे लिए रेशमी वस्त्र, वाह रे प्रभु, तेरी लीला परंपार है, तेरी लीला पर। धन्य हो नरसी, तुम धन्य हो, आज तुम्हारी भक्ति की प्रकाष्ठा देखकर मेरा भी मन भयूर खुशियों में झूमने लगा है। अरे मूर्खो, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, दांत में तिनका दबाकर नरसी के पैर पर गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगो। काका जी, आप भी कहां इस बेरुपये के चक्कर में पड़ गए, अरे ये तो मोहिनी मंत्र जानता है और इस साधु पर भी उसने मोहिनी मंत्र का प्रयोग किया है। हे विधाता, हे भोलेनाथ, इन्हें नरक से बचाना, इन दुष्टों के तुम ही रखवाले हो। हे प्रभु, इनकी आंखों पर तुम्हारी ही बांधी हुई पट्टी बंधी है। हे प्रभु, जब तुम खोलोगे तो ही पट्टी खुलेगी, अन्यथा नहीं खुलेगी। काका जी, ये सब तो ईश्वर की ही माया है, ईश्वर ही उनमें समाकर उनके द्वारा मुझे अपने और समीप आने का संकेत देता है। ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी मोहिनी विद्या के कमाल को। अरे तुमसे भी बड़े तांत्रिक को बुलाकर जब तक सारे गांव वालों के सामने तुम्हारा पोल ना खोल दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चलो मोरन। गांव वालों, आप लोगों ने भी देख लिया और सुन लिया, जिस प्रतीक साधु को लेकर सारंग नसी को बदनाम करना चाहता था, ये वही प्रतीक साधु है। इनने अपनी जुबानी सब कहानी सुना दी। हमारा नरसी भगत निर्दोष है और वो एक सच्चा भगवान का भक्त है। अगर आप लोग इसकी भक्ति और सेवा से प्रसन्न है तो हमारे साथ एक साथ बोलकर बोलो, नरसी भगत की जय, नरसी भगत की जय, नरसी भगत की जय, नरसी भगत की जय, बोलो नरसी भगत के जय, नरसी भगत की जय, नरसी भगत की जय। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। वाह रे प्रभु, तेरी लीला परंपरा, तेरी लीला। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जीते हुए मन के द्वारा ही इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। माँ, तू रो रही है? माँ, तेरी आंख में आंसू अच्छे नहीं लग रहे हैं। आ माँ, इधर बैठ।
बैठ बैठ। बेटा, आंसू भी कभी शोभा देते हैं क्या? हाँ माँ, आंखों से निकले हुए आंसू गालों पर ऐसे दिखते हैं मानो जैसे मोती के दाने। चल, अब तू भी अपने पिता की तरह मुझे बातों में उलझाने लगा। लेकिन माँ, तेरी आंखों में आंसू क्यों? क्या बताऊं बेटा, ये गांव वाले, ये संसार वाले इतने विचित्र क्यों होते हैं? ये दूसरों के घरों में झांकने की आदत बहुत बुरी होती है इनकी। क्या हुआ माँ, कौन किसके घरों में झांक रहा है?